हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसमलाई की रेसिपी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, मैं इसको आपको काट के दिखा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और अंदर से बिल्कुल स्पॉन्जी है। ये खाने में तो मज़ा आता ही है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी को। इसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है। आप कोई भी गाय का दूध ले लीजिए। गाय के दूध से छेना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और अच्छी बनती है, इसी के लिए मैं आपको गाय के दूध लेने के लिए सजेस्ट करूँगी। हमें इसे उबाल लेना है और 1-2 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम 1-2 मिनट इसे ठंडा कर लेंगे। बस थोड़ा सा ठंडा करना है, पूरी तरह से हमें ठंडा नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर वाइट विनेगर ले रही हूँ, 2 चम्मच भर के। यहाँ पर मैं वाइट विनेगर को चारों तरफ से स्प्रेड कर ली हूँ। ये 4 चम्मच हमारा विनेगर हो गया है। अब हम इसे हल्के हाथों से चला लेंगे। आपको एक बार बहुत ज़्यादा विनेगर नहीं डालना है, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे और इस तरह चलाते जाएंगे। और विनेगर डालकर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी नहीं फटता है। थोड़ा इस तरह से हमें चलाते रहना पड़ेगा और 1-2 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा, ये अपने आप ही फट जाएगी। ये देखिए, ये धीरे धीरे फटना शुरू हो गया है। अगर आपको लगे कि 4 चम्मच में फिर भी नहीं फटा, तो आप और 1-2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका 4 चम्मच में ही फट जाए। ये विनेगर के क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी विनेगर किस क्वालिटी की है। अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो 4 चम्मच में फट जाएगा, वरना आपको और ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये देखिए, 1-2 मिनट मैं इस तरह से चला ली हूँ, अब ये अच्छे से फट चुका है। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, इसमें हम एक वाइट रुमाल रख लेंगे या फिर कोई भी साफ़ कपड़ा आपको इस पर रख लेना है, और इस तरह से हम इसे छान लेंगे। एक चिमटा की हेल्प से हम इसे इस तरह से निचोड़ लेंगे ताकि हमारा हाथ ना जले। और हमें इसे कोई धोने की ज़रूरत नहीं है, हमने विनेगर बहुत कम यूज़ किया है और विनेगर की स्मेल नहीं है इसमें, तो हम इसे धोएंगे नहीं। इस तरह से अच्छे से निचोड़ लेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसे टांग कर रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है हमारा, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे प्लेट में ही अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं हाथ की मदद से, या फिर आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी फटाफट से। इस तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा इसे, और एक स्मूथ पेस्ट इसका बना लेंगे। ये हमने सारे को ग्राइंड करके प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि इसमें जो भी थोड़ा सा भी खुरदुरापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून अरारोट मिला लेंगे। ये बस बाइंडिंग के लिए हमें थोड़ा सा मिलाना है, और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। आप ये छेना को देखकर सोचते होंगे ये प्लेट में इतना सारा लग चुका है, अब हम इसे साफ़ कैसे करेंगे। टेंशन मत लीजिए, हम इसे थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से चारों तरफ से साइड कर लेंगे, और ऑयल लगा के थोड़ा थोड़ा सा इसे बना लेंगे। ये काफ़ी गीला है, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा इसमें, उतना ही सॉफ्ट और उतना स्पॉन्जी बनेगा आपका रसगुल्ला। तो देखिए, इसमें कोई क्रैक नहीं आ रहा है। इस तरह से हम थोड़ा सा चपटा करके इस तरह की शेप दे देंगे, आप इसे गोल भी बना सकते हैं। अब हम एक कुकिंग पॉट ले लेंगे और इसमें हम 4 ग्लास पानी डालेंगे और 1 ग्लास चीनी डालेंगे। हमें इसका गाढ़ा सिरप नहीं बनाना है, थोड़ी पतली ही इसे हमें बनाना है। बस उबाल आने तक के लिए हमें इसे हाई फ्लेम पे पका लेना है। अगर आपने मेरे छेने की रसगुल्ले की रेसिपी नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, छेने की रसगुल्ले कैसे बनती है। अब हम इसे चला लेंगे और ढक कर रख देंगे हाई फ्लेम पर। ये हमारे पेड़े भी तैयार हो चुके हैं, और 5 मिनट बाद इसमें भी एक उबाल सा आ गया है। ये देखिए, अच्छे से उबाल आ गई है इसमें। इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब हम इसमें एक एक करके बॉल डाल देंगे, या फिर ये जो पेड़ा है, आप इसे पेड़ा भी बोल सकते हैं। एक एक करके हम इसमें डाल लेंगे और हम 10 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे उबलने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारा फ्लेम हाई है, 10 मिनट हो चुका है, हम इसे चेक कर लेंगे। वाओ, ये काफ़ी अच्छे से फूली है, देखिए कितनी स्पॉन्जी बनी है। अब हम इसे थोड़ी बहुत उलट पलट कर लेंगे, हल्के हाथों से आपको उलटना है, ये काफ़ी सॉफ्ट है। हाई फ्लेम पे ही इसे हम 2-3 मिनट के लिए इस तरह से उलट लेंगे। उसके बाद हम फिर से 15 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर ढक कर रख देंगे। 15 मिनट हो चुका है, हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे।
ये देखिए काफ़ी अच्छी बनी है, ये अपने साइज से डबल हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और एक साइड पर हम दूध का राबड़ी बनाएंगे। आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा दूध है, हम इसमें उबाल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें आधी कटोरी चीनी डालेंगे, या फिर आप इस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। हमने रसगुल्ला में भी चीनी डाला हुआ है तो इसमें हम थोड़ी कम ही चीनी डालेंगे, जितना दूध अब्सॉर्ब कर पाए या फिर दूध जितनी चीनी से मीठा हो पाए। अब हम थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए, और हम इसमें इसे मीडियम फ्लेम पे इस तरह से चलाते हुए इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। इसे भी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, वरना यह रसगुल्ले में अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। 10 से 12 मिनट तक हम इसे चलाते हुए इस तरह से इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स काट कर रखा हुआ है पतले पतले, इसे रख लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट लेना चाहे इसमें रख लीजिए। अब हम इसमें एक पिंच फूड कलर ऐड करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा मार्केट जैसा कलर हो पाए। अगर आपके पास केसर है तो बहुत अच्छी बात है, आप केसर डाल लीजिए, उससे भी कलर हो जाएगी। पर मेरे पास केसर नहीं है तो मैं इसे डाल लूँगी, या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं बिना कोई फूड कलर के। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए ये देखिए थोड़ी गाढ़ी हो गई है ये, अब ये रेडी है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है हमें इसे। रसगुल्ले भी हमारे मीडियम गर्म हैं और ये राबड़ी भी मीडियम गर्म है। ये देखिए रसगुल्ले कितने ज़्यादा स्पॉन्जी हैं, कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अब हम रसगुल्ले को इसमें डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर ठंडी हो जाएगी आपकी राबड़ी तो शायद इसमें अच्छे से ऑब्जर्व ना हो पाए, इसलिए हमें हल्का गुनगुना ही रखना है दोनों को। हम इस तरह से हल्का हल्का स्क्वीज़ करके इसे डाल लेंगे। हम इसे राबड़ी में डिप करके 4 से 5 घंटा के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर तक अच्छे से राबड़ी का फ्लेवर चला जाए। हम इसे डीप कर लेंगे और 4 से 5 घंटा बाहर ही रख देंगे। 4-5 घंटा के बाद हम इसे फ्रीज में रखेंगे। थोड़ा सा ऊपर से हमने बादाम कटा हुआ रख लिया है। हम इसे ढककर 4-5 घंटा के लिए रख देंगे। तब तक आपको एक काम कर लेना है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए 4-5 घंटे हो चुके हैं, ये दूध ऑब्जर्व कर चुकी है इसमें। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, हम इसे थोड़ी केयरफुली निकालेंगे। 4-5 घंटे के बाद आप इसे फ्रिज में रख लीजिए और उसके बाद आप सर्व कीजिए। फ्रिज में हम इसे चिल करने के बाद एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और कटी हुई बादाम से इस तरह से गार्निश कर लेंगे। तो रेडी है हमारा रसमलाई। कैसा लगा आपको हमारी ये रेसिपी हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।